कर रहे हैं। कल हमारे स्वाट टीम को एक अच्छी सफलता हाथ लगी। ये वहाँ थाना बदौसा क्षेत्र में जो गैंग से कुछ मूवमेंट के संबंध में जानकारी कर रहे थे, तभी मौके से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम विधायक है, इसने एक हत्या 22 जुलाई को जगधारा नाला के पास थाना मऊ जनपद क्षेत्र एक व्यक्ति की हत्या की है, और इसने ये ट्यूमर वहाँ ये फैला दिया कि छोटू कौन जो वहाँ 10,000 का इनामिया है वो मारा गया है। और इस आधार पे तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची, और जब ये तस्दीक हुआ कि इसने थोड़ा डाउट हुआ कि छोटू कौन है या नहीं, तो फिर उसको 302 बनाम अज्ञात मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके पिता छोटू कौल के पिता ने उसको उसकी शिनाख्त छोटू कौल के रूप में कर दी, क्योंकि उसके पिता ये चाहते थे कि अगर ये घोषित हो जाता है तो उसका बेटा सेफ हो जाएगा, क्योंकि वो भी अपराधी है और उसके ऊपर इनाम है। यहाँ मुखबिर ने ये बताया कि साहब इसी आदमी ने मारा है, जो आदमी अभी आपको मिल सकता है। इस पर स्वाट टीम ने तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी घेराबंदी की, और उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ। उसने फायर किया हमारी स्वाट टीम पे, लेकिन हमारी स्वाट टीम ने बहुत संयम और साहस के साथ उसको गिरफ्तार करने में उसको कामयाबी मिली। पूछताछ में उसने ये बताया कि इसका नाम विनय शुक्ला अलियास विधायक है, और बहुत सी ऐसी घटनाएं उसने की हैं जिनका कहीं लिखा पढ़ी में उल्लेख नहीं है। पूछताछ में उसने ये बताई, मूल रूप से उसने ये बताया कि चूँकि इसकी अदावत तत्कालीन जो दस्यु गिरोह यहाँ हुआ करता था उनसे थी, और उसमें यह व्यक्ति जिसको इसने मारा है ये इसके हिसाब से उनके किसी समर्थक और सहयोगी के घर पे रहा करता था। इसका नाम बोस है, और एक ये जगजीवन प्रजापति ये भी माना जाता है कि भाई उनका सहयोगी हो, इसके दिमाग में मार दिया, और इसी आधार पे इसको वो ले गया और ले जाके उसने वहाँ मऊ में इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अपना जुर्म छिपाने के लिए इसने इसकी एक फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट की, जो को ये खबर दी कि ये छोटू कौल है, माना गया है ताकि उस हत्या से ये बचा रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और बाद में इसका खुलासा हो गया। इस पर मेरे द्वारा इस स्वाट टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाए।